मैं भी आपका क्लासमेट ही बोल रहा हूँ। आई नो पता है हमें, स्क्रीन आ गई। हाँ स्क्रीन आ गई। एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग। मैम आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रहा मैम। अगर आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही तो फिर से स्टार्ट करिए। यानी कि कैंसर हमारी कैसी डिजीज होती है जिसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपन होती है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है नहीं कि क्लियरेंस हो रहा है। स्प्रेड हो जाती है। Good afternoon everyone. So we will be learning about anti-neoplastic drugs. सबको दिखाई दे रहा है? Yes ma'am. ठीक है, anti-neoplastic drugs होते हैं, यानी कि जो भी हमारे cancer treatment में जो भी हम drug use करते हैं उनको हम बोलते हैं anti-neoplastic drugs. Cancer is a group of disease involving abnormal cell growth with the potential to invade or spread to other parts of the body. जैसे cancer के बारे में तो सबको पता ही है कि उसके अंदर जो हमारी body के अंदर जो cells होती हैं उनकी बहुत ज्यादा एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है, और इस सेल की जो जो हमारे एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हुई है इसकी इतनी ज्यादा पावर होती है कि हमारी ये अदर पार्ट्स जो हमारी बॉडी के उसके भी ये ज्यादा इंपैक्ट कर देती है। इतना तो सबको सब कुछ पता है इसके बारे में। अब क्या होता है हमारे कैंसर होता है इसके अंदर ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब हमारे ये जो कैंसर की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें ना बिनाइन ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि ये लिखा हुआ है बिनाइन ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब ये बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं ये इनकी इतनी ज्यादा पोटेंशियल नहीं होती है कि हमारे बॉडी के अंदर और जगह जाके ये इन्फेक्ट करे। जब ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, जब इसकी ज्यादा अगर आगे स्टेज पे चली जाती है तब ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाके उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर हमें कैंसर हो गया? तो जो पॉसिबल हम जो साइन एंड सिम्टम्स हो जाते हैं, क्योंकि ये साइन और सिम्टम्स को शो करने में भी करीब 8 से 10 साल लग जाते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर कि उसको कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो हमने एक पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स निकाल लिए हैं कि हमें कैंसर हो गया, उसमें से पहला है लम। ये है लम। लम का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर गांठ बनना शुरू हो जाती है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग, यानी कि जो भी ब्लीडिंग होती है, चाहे अगर कट मार्क लग गया है तो हम कहते हैं कि नॉर्मली हम 2 से 3 मिनट में हमारा जो कट है मान लो कि वो भर जाता है, लेकिन अगर किसी को कैंसर है तो उसके अंदर इसी छोटे से कट के लिए बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। फिर है प्रोलॉन्ग्ड कफ, यानी कि अगर किसी को भी कफ की जो प्रॉब्लम है 2 या 3 दिन या 1 हफ्ते में सही हो जाती है, तो अगर कैंसर पेशेंट होगा उसका जो कफ है मान लो आपका महीना भर भी ऐसा हो सकता है जिसमें उसको ठीक ना हो। या फिर आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि किसी किसी का जब वेट लॉस होता है तो हमें पता होता है कि हमने प्रॉपरली फूड नहीं लिया इसकी वजह से हमारा वेट लॉस हो गया, लेकिन जब कैंसर का पेशेंट होता है उसको नहीं पता होता है कि हमारा वेट लॉस क्यों होता है, उसको उसका वेट लॉस एकदम अचानक से ही बहुत ज्यादा उसका वेट लॉस हो जाता है, और हो जाता है उसका बोल मूवमेंट में चेंज, यानी कि पेट में ना उसका पेट खराब रहना शुरू कर देता है, इतना ज्यादा उसके पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। अब आते हैं हमारे कैंसर के टाइप्स क्या होते हैं। हमारे कैंसर के 5 टाइप है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, जर्म सेल ट्यूमर और ब्लास्टोमा। ये इस सेंसर के बारे में सिर्फ आपको इस पॉइंट पर किसी भी 5 जो इसके टाइप्स हैं सिर्फ उसके बात करने की जरूरत है कि हमारे पास 5 टाइप के ये कैंसर होते हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग्स यहाँ पे पढ़ेंगे। अब आता है आपका एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, यानी कि एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स भी हम इसे बोल सकते हैं। तो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज। अब यहाँ जो मैलिग्नेंट डिजीज का मतलब है, यहाँ पे हम कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं कि एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट यानी कि जो ड्रग्स हैं हम उसलिए यूज करते हैं ताकि हम कैंसर को ट्रीट कर सके। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट आर ऑल्सो नोन एज साइटोटॉक्सिक एजेंट एज कैंसर इज वेरी डिफिकल्ट डिजीज टू ट्रीट। अब यहाँ पे जो ये हमने वर्ड साइटोटॉक्सिक यूज किया, साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है कि ये जो भी कंपाउंड है वो लिविंग सेल को किल कर रहा होता है, इसलिए हम उसको साइटोटॉक्सिक बोल रहे हैं। अब जो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर, क्योंकि वो एक लिविंग सेल है, उसको क्या करता है किल कर देता है, और हम ये एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट हम साइटोटॉक्सिक एजेंट भी इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि जो हमारा कैंसर है
वो बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट डिजीज है जिसको हम ट्रीट करेंगे. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर स्प्रेड करेगा. हमने एक बॉडी पार्ट का कैंसर खत्म किया, जब हमने टेस्ट किया तो हमें पता चला उस पार्ट का कैंसर तो खत्म हो गया लेकिन किसी और पार्ट में जाके हो गया. तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिजीज होती है हमारी जो कैंसर होती है ट्रीट करने के लिए. This has been because of lack of reliable diagnostic test for the early detection and not having the compound which will be cure any form of cancer. अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि कैंसर जो है हमारी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिजीज है ट्रीट करने के लिए? क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है जो कि हमें अर्ली फेजेस में हमें ये बता दे कि हमको कैंसर हो गया. ऐसा आपने बहुत बार सुना भी होगा कि किसी को कैंसर थर्ड स्टेज में पता चल रहा है, किसी को सेकंड स्टेज में पता चल रहा है. बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिसको फर्स्ट स्टेज में पता चलेगा. क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेज के जो साइन एंड सिम्टम्स आने में, जो कि हमने ये पढ़े थे कि ये पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स जो है ये हमने पढ़े हैं, ये आने के लिए कम से कम 8 से 10 साल का टाइम लग जाता है. और जब ये साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तब तक बंदा फर्स्ट स्टेज को छोड़ के सेकेंड और थर्ड स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है. एंटी कैंसर ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेलिग्नेंट डिजीज व्हेन सर्जरी और रेडियोथेरेपी इज नॉट पॉसिबल और हैज प्रूव्ड इनइफेक्टिव. अब क्या है, हमने ये एंटी कैंसर ड्रग यानी कि एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग्स हम कब यूज करेंगे? जब हमने कोई भी सर्जरी है हमारी या कोई भी हम रेडियोथेरेपी यानी कि हमारी जो कीमोथेरेपी, हम अल्फा बीटा गामा जो रेज यूज करके हम कैंसर का जो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो हमारा इनइफेक्टिव रहा है. हम कोई सर्जरी हमने एक पार्ट करी उसकी वजह से भी हमारा कैंसर ठीक नहीं पाया, उसके बाद हम एंटी कैंसर ड्रग्स को यूज करते हैं. हम सबसे पहला जो हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा कभी भी कैंसर का, वो कभी भी ड्रग्स नहीं होंगे. हमेशा होगी सर्जरी और रेडियोथेरेपी. जब वो काम नहीं करेंगे तब हम यूज करेंगे ड्रग्स को. देयर आल्सो मैलिग्नेंट हो गया कि आपका बहुत ज्यादा टफ डिजीज हो गई, यानी कि आप उसको इजिली क्योर नहीं कर पा रहे हो, सेकेंड लेवल या थर्ड स्टेप का टाइप का कुछ ऐसा हो गया. ठीक है. और हाँ, मेलिग्नेंट आप किसी और चीज के, जैसे आपका टफ तो है ही, मेलिग्नेंट आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो कि आपकी जो कोई चीज स्प्रेड होती है ना उसके लिए भी आप मेलिग्नेंट यूज कर सकते हो. तो दो टाइप का, एक तो टफ चीज होगी जिसको आपको क्योर करना बहुत टफ है, दूसरा हो गया कि जो आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो रही हो. जैसे आपका नॉर्मल कॉमन कोल्ड है वो भी हम मेलिग्नेंट डिजीज है. क्यों? क्योंकि वो भी एक दूसरे से छूने से फैलता है. आपका जो कोरोना वायरस है वो भी एक मेलिग्नेंट डिजीज हो गया. तो और ये दोनों टफ चीजें हैं, तो इसके लिए मेलिग्नेंट हम दो टाइप से यूज करते हैं. दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड एज एन हेलो हाँ. अगर कहीं पे मैलिग्नेंट यूज हो रहा है इट मींस कि वो कैंसर है. मैलिग्नेंट वहीं भी यूज होगा जहां कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी. कैंसर से रिलेटेड नहीं बोल सकते, मैलिग्नेंट मतलब उस डिजीज के लिए हम यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिजिड होती है, यानी कि उसको ठीक करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है और जो कि बहुत ही जैसे छूने से फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है और किसी बॉडी के अंदर भी स्प्रेड हो जाएगी कि एक जगह है और पूरी बॉडी में दूसरी जगह भी होगी. उसके लिए हम मैलिग्नेंट यूज करेंगे सिर्फ अगर मैलिग्नेंट वर्ड से कैंसर से कोई रिलेशन नहीं है. कैंसर छूने से फैलता है क्या? कैंसर छूने से नहीं फैलता, नहीं. कैंसर जो है टफ डिजीज है और हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो स्प्रेड कर रही है. उसके लिए यूज़र मतलब ऐसा चाहिए कि छूने से फैल रही है. कैंसर कभी भी छूने से नहीं फैलता. ठीक है. तो आज जो हमारे हम अब जैसे इस पॉइंट में लिखा हुआ है, दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड एज एडजंक्ट टू सर्जरी और रेडियोथेरेपी. यानी कि हमने कहा कि जब सर्जरी और रेडियोथेरेपी इनइफेक्टिव होता है उस केस में हम एंटी कैंसर ड्रग्स को यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी हम हमारे सर्जरी और रेडियोथेरेपी के साथ भी हम ड्रग्स को यूज कर सकते हैं. दे आर यूज एज द इनिशियल ट्रीटमेंट एज इन ल्यूकेमिया. अब हमारा जो ल्यूकेमिया होता है यानी कि हमारा जो ब्लड कैंसर जो होता है उसके अंदर जो हमारा इनिशियल ट्रीटमेंट होता है, यानी कि जब हम स्टार्टिंग हम कर रहे होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट की, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट की, तब हम हमारे एंटीन्यूरोप्लास्टिक एजेंट्स को हम यूज कर सकते हैं. कीमोथेरेपी यूजुअली इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैविंग डिफरेंट टारगेट्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अब जो हमारी कीमोथेरेपी है वो क्या इन्वॉल्व करता है कि बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को यूज किया जाएगा जो कि डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स को यूज करेगा और जिसके अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होंगे. अब क्या होता है, कैंसर आपने बोला कि हमारे बॉडी के एक पार्ट में हो रखा है लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस टाइप के कैंसर सेल्स की ग्रोथ हो रही है या किस टाइप के ड्रग हम यूज करेंगे उसको किल कर देंगे. तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2-3 तरीके की ड्रग्स को यूज कर लिया. तो जो भी ड्रग जिस भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से उसको किल कर पाएगी, मेन मोटिव क्या है, उस कैंसर सेल को किल करना.
तो उस कैंसर सेल्स को किल करने के लिए हमने अलग अलग तरीके की ड्रग्स को यूज कर लिया ताकि वो जो कैंसर सेल्स है वो आके उसको किल कर दे। अब वो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स में हो सकती है कि अलग बॉडी के आपके हाथ में है पैर में है तो उसको भी किल करेगी, और अलग अलग मक्खियों के अलग अलग ड्रग्स यूज किए और अलग अलग क्लासेस ऑफ ड्रग्स का अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है तो उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू वो उस सेल को किल कर देगी। हम मतलब कोई भी हम तरीका नहीं छोड़ना चाहते कि ताकि हमारी जो कैंसर सेल है वो बच जाए, हम हर तरीके से उसको किल करना चाहते हैं। और लास्ट है, ट्रेडिशनल एंटी कैंसर ड्रग्स आर जनरली साइटोटॉक्सिक, मॉडर्न ड्रग्स आर सिलेक्टिव इन देयर एक्शन। यानी कि जो हमारी ट्रेडिशनल जो एंटी कैंसर ड्रग होती है वो जनरली साइटोटॉक्सिक होती है, और जो मॉडर्न ड्रग्स होती है वो सिलेक्ट होती है उनके एक्शन में। साइटोटॉक्सिक का मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो लिविंग सेल्स को किल करती है वो होती है साइटोटॉक्सिक, और यहाँ पे जो लिविंग सेल है उसका मतलब है यहाँ पे कैंसर सेल। और तो ये हमारी जो ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले हम एंटी कैंसर ड्रग यूज करते थे वो साइटोटॉक्सिक होती थी, लेकिन जो आजकल हम जो मॉडर्न ड्रग्स हम यूज करते हैं वो होती है उनके एक्शन में बहुत सिलेक्टिव, यानी कि हम जिस एक्शन के लिए उसको यूज कर रहे हैं ना वो सिर्फ उसको ही करेगी और कोई चीज वो नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारा जो साइटो जो हमारा एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स जो है उसकी एक क्लासिफिकेशन बताई हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है हमारा साइटोटॉक्सिक ड्रग, यानी कि जो डायरेक्टली हमारे सेल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, सेल को हमारे किल करेंगे। हमारे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की जो पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है एल्काइलेटिंग एजेंट्स, जिसमें फर्स्ट आता है आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड, जिसके अंदर आपका साइक्लोफोसामाइड और इफोसफामाइड है। नाइट्रोजन मस्टर्ड है आप एक क्योंकि साइक्लोफोसामाइड आपको सिलेबस में भी पढ़ना है तो नाइट्रोजन मस्टर्ड से आप याद कर लीजिए कि साइक्लोफोसामाइड उस कैटेगरी के अंदर आती है। सेकंड है आपका इथाइलिन इमीन, जिसके अंदर आपकी थायोटेपा आती है। थर्ड है आपकी एल्काइल सल्फोनेट, जिसके अंदर बाइसल्फन है। फोर्थ है आपका नाइट्रोसो यूरियाज, जिसके अंदर कार्मिस्टीन और लोमिस्टीन है। फिफ्थ है आपका ट्राइएजीन, जिसके अंदर डी कार्बाजीन है। अब देखो जो ये एल्काइलेटिंग एजेंट है इसके अंदर चाहे आपका नाइट्रोजन है, इथाइलिन अमीन है, एल्काइल है, नाइट्रोसो यूरिया है और ट्राइएजीन है, इन सबके अंदर देखो कहीं ना कहीं एल्काइल ग्रुप आ रहा है। बाकी जितने भी हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग किसी में भी देखो कहीं पर भी कोई भी एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन या कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं। तो सबसे पहली कैटेगरी अपने आप याद हो जाएगी कि हमारी एल्काइलेटिंग एजेंट है जिसके अंदर हमारा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और ये जो पांच हमारे दिए हुए हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड इथाइलिन अमीन एल्काइल सल्फोनेट नाइट्रोसो यूरिया और ट्राइएजीन अंदर कहीं ना कहीं एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। सेकंड है आपका एंटी मेटाबोलाइट, एक्ट ऑन मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व्ड इन डीएनए सिंथेसिस, यानी कि जो हमारे सेल जो कि कैंसर सेल्स है उनका जो मेटाबॉलिक होता है वो कहाँ होता है, डीएनए में। जब डीएनए सिंथेसिस होगा तभी हमारा न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा, तो क्या करेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स का काम होता है जो डीएनए का जो सिंथेसिस चल रहा होता है उसको ही वो रोक देता है। जब डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा तो हमारे जो कैंसर का जो सेल है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब हमारे एंटीबोलाइट होते हैं वो तीन टाइप के हैं हमारे, फोलेट एंटागोनिस्ट, प्योरीन एंटागोनिस्ट और पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट। फोलेट में आपका मिथोटिप्रेजेट आ रहा है, और प्योरीन और पिरिमिडीन है हमारे प्योरीन वाले जो हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्योरीन और पिरिमिडीन क्या है हमारे प्रोटीन्स हैं, उनको ही किल उनके ही अगेंस्ट में हमने दो लेके आ गए हमारे ड्रग, तो क्या करेंगे वो डीएनए के सिंथेसिस को वहीं पे रोक देंगे। तो प्योरीन एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल है एजाथायोप्रीन, और पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल है फ्लोरोयूरेसिल। अब हमारा थर्ड पार्ट है हमारा इसका प्लांट डेरिवेटिव्स, यानी कि वो ड्रग्स जो हमें प्लांट के थ्रू मिली हुई है। तो इसमें पहला है विनका एल्केलॉइड्स, जिसमें हमारे विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन आते हैं। फिर है हमारा टेक्सेन, जिसमें हमारा पैक्लिटेक्सल आता है। थर्ड है हमारा एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन, जिसके अंदर हमारा इटोपोसाइड आता है। और फोर्थ है हमारे एंटीबायोटिक्स जो है जिसमें हमारा आता है एक्टिनोमाइसिन और सिस्प्लेटिन। यानी कि हमने केमिकली वाले भी पढ़ लिए, फिर सेल की ग्रोथ को रोकने वाले भी पढ़ लिए, अब हमें जो प्लांट्स के थ्रू मिल रहे हैं वो भी हमने पढ़ लिए। अब है हमारा कि हमने जो तीन टाइप की जो हमारे जो सेल्स के ऊपर एक्ट कर रहे हैं वो तो हमने पढ़ लिए, लेकिन अब हम इसको हार्मोन्स के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हमने पहले सेकंड नंबर पे हमारा हार्मोन, तो इसके अंदर जो हम हार्मोन्स हमने लिए हुए हैं वो हमने लिए हुए स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स को हमने लिया हुआ है ताकि वो हमारे कैंसर को क्योर कर सके। तो हमने जो हार्मोन्स लिए हुए हैं उसमें से सबसे पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसके अंदर हमने प्रेडनिसोलोन लिए हुए हैं और उसके डेरिवेटिव्स। फिर सेकंड है हमारा एस्ट्रोजन, जिसमें है फॉस्फेस्ट्रॉल और इथाइनेस्ट्राडायोल। थर्ड है हमारा प्रोजेस्टिन, जिसके अंदर है टोमोसिक्सिफेन
और लास्ट है हमारा एंटी एंड्रोजन जिसके अंदर है हमारा फ्लूटामाइड। ये सारे हमारे कैटेगरीज हैं हार्मोन्स की, यानी कि हम हार्मोन्स को भी यूज कर रहे हैं हमारे कैंसर को क्योर करने के लिए। और लास्ट है हमारा कि हमने हार्मोन्स भी ले लिए, हमने हमारे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी ले लिए, और उसके बाद जो भी ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं हमारी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए वो हमने हमारे वो माइसलेनियस कैटेगरी के अंदर आ गई है। इसमें किसी को कोई डाउट क्लासिफिकेशन में? मैम वैसे प्रोजेस्टेरोन किसी और चीज में भी यूज होती है ना? हाँ, प्रोजेस्टेरोन क्या है, आपका हार्मोन है, बस आपका हार्मोन है ना। और मैंने बताया कि स्टेरॉइड है वो एक टाइप का, तो स्टेरॉइडल ड्रग है, तो हमने स्टेरॉइड्स के अंदर भी यूज किया होगा इसे। ओके ओके, तो अब हमारा है एक्टिनोमाइसिन, जिसका नॉमेनक्लेचर तो जैसे आप पढ़ ही सकते हैं कि बहुत बड़ा है, 2-amino-4,6-dimethyl-3-oxo। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपकी है, आपके एंटीनियोप्लास्टिक्स में कोई भी केमिकल का स्ट्रक्चर नहीं है, आपको सिर्फ उसका नॉमेनक्लेचर याद करना है। और मैंने नॉमेनक्लेचर कैसे याद करना था, स्ट्रक्चर कैसे याद करना था, वो सबको याद करवाया था क्लास के अंदर, तो सबको याद होगा आई गेस। मैम एक बार और बता दीजिए, मैं नॉन अटेंडिंग में हूँ मैम। ओके 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 मैम, मैं नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मुझे पता नहीं क्या बताया। ठीक है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक स्ट्रक्चर अभी लेके फिर मैं आपको समझाती हूँ, ये टॉपिक खत्म करके फिर मैं आपको बता दूं। यस हाँ ठीक है मैम, टॉपिक खत्म कर लीजिए। ठीक है ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इसमें है हमारी जो ड्रग की कैटेगरी आई हुई है, जो हम ड्रग पढ़ने वाले वो है एक्टिनोमाइसिन। एक्टिनोमाइसिन हमने कहाँ पढ़ा था, ये प्लांट डेरिवेटिव में एंटीबायोटिक्स में, यानी कि हमारी एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो है 2-amino-4,6-dimethyl-3-oxo-1-normal-9N-bis-7-11-14-fluorine-trimethyl-2-5-9-12-15-pentoxo-3-10-diprofenyl-2-iyl-8-oxa-1-4-11-14-tetra-bicyclo-14-3-O-nonadikin-6-iphenoxazine-1-9-dicarboxamide। ये काफी ज्यादा बड़ा आपका नॉमेनक्लेचर है, तो इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताऊंगी याद करने के लिए। नहीं, याद नहीं होगा मैम। हाँ, इसको याद करने के लिए क्या करोगे, आपको क्या करना है कि सिर्फ आपकी पोजीशन याद करनी है आपको, कि सेकंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे मत सोचना कि बहुत बड़ा तो कैसे याद करेंगे, सिर्फ इतना याद कर लो सेकंड पोजीशन पे अमीनो लिखा हुआ है, नोटबुक में लिख लेना सेकंड पहला नंबर क्या है, अमीनो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। दूसरा, हमारे चौथे और छठे पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, डाइमिथाइल। अब हमने बताया चौथे और छठा पोजीशन, हमने बताया कि फोर और सिक्स है और वो भी मिथाइल है। अब मतलब दो पोजीशन बताई हमने, फोर और सिक्स का क्या मतलब हो गया, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है दो जगह। हाँ, डाइमिथाइल हो गया, यानी कि दो जगह लगा हुआ है, चार और छह। तो हमें इतना याद करना है, पहले दूसरे नंबर पे पहला हमारा लगता है अमीनो, फिर फोर और सिक्स के ऊपर हमारा लग रहा है मिथाइल, चूंकि दो पोजीशन है तो दो मिथाइल लगे होंगे। थर्ड के ऊपर हमारा लग रहा है ऑक्सो का ग्रुप, ठीक है हम इतना याद रखेंगे कि तीसरे नंबर पे हमारा ऑक्सो का ग्रुप लगा होगा। वन पे हमारा नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल है मतलब कुछ नहीं लगा हुआ। नाइन नॉर बिस, यानी कि बिस पोजीशन पे हमारा ट्राइमिथाइल लगा हुआ है। अब ट्राइमिथाइल यानी कि तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, किस किस पोजीशन, बिस पोजीशन कौन सी होती है? बिस पोजीशन आपकी एज सच तो कोई पोजीशन नहीं होगी, जो सिस और ट्रांस और बिस है वो जो सेकेंडरी पोजीशन है उसको डिनोट कर रही है यहाँ पे, कि ये यहाँ पे सिंगल चेन में नहीं है, सेकेंडरी चेन में लग गए हैं आपके। मतलब एक सिंपल चेन होती है, तो अगर ऊपर और नीचे आएगा चीज पोजीशन, तो उसके लिए हमने बिस बोल दिया कि एक सिंगल चेन में नहीं है, ऊपर नीचे करके लगा होगा। तो वैसे ही वो जो ट्राई मिथाइल लगा हुआ है, यानी कि तीन मिथाइल लगे हुए हैं, तीन मिथाइल की पोजीशन क्या है, 7, 11 और 14। हो गया। अब हमारा वही जैसे 2, 5, 9, 12, 15 है, हम इसको हम बाद में छोड़ेंगे। हमारा क्या आ गया, ट्राई मिथाइल की तीन पोजीशन पता चल गई। अब हमें पता चल गया कि पेंटा ऑक्सो लगा हुआ है, पेंटा मतलब पेंटा ऑक्सो का मतलब हो गया ऑक्सा के पांच ग्रुप लगे हुए हैं। अब पेंटा ऑक्सा हो गया तो यानी कि पांच पोजीशन हमारी पर क्या रही, 2, 5, 9, 12 और 15। ठीक है, मतलब ऑक्सो के पांच ग्रुप है और पांच ग्रुप जो लगे हैं पांच की एक पोजीशन है। फिर लगा हुआ है हमारा डाइप्रोपेनाइल टू आई। अब देखो डाइप्रोपेनाइल यानी कि 2-propanyl-2-aryl लगे हुए हैं, पोजीशन हो गई उनकी 3 और 10। और ये प्रोपेनाइल टू आइल लगा हुआ है, यानी कि जो हमारा आइल ग्रुप है वो हमारा लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पे। तो इन्होंने हमें बताया कि डाइप्रोपेनाइल टू आइल लगा हुआ है, जिसकी पोजीशन है हमारी 3 और 10।
फिर 8th पोजीशन पे ऑक्सा लगा हुआ है, अब हमारा लगा हुआ है टेट्रा बाई साइक्लो, यानी कि हमारी चार जो है वो बाई साइक्लो ग्रुप लगे हुए हैं हमारे, जो कि टेट्रा हमारे 1, 4, 11, 14 के ऊपर लगे हुए हैं। फिर है हमारा नोना डेकन 6 आइल, यानी कि 14, 3 और 0 पोजीशन पे हमारा नोना डेकनाइन 6 आइल लगा हुआ है, और है फिनोक्साजीन 1 पोजीशन पे, और नहीं फिनोक्साजीन लगा हुआ है साथ में, और हमारा 1 और 9 पे लगा हुआ है डाइट कार्बोक्सामाइड, यानी कि कार्बोक्सामाइड के दो ग्रुप 1 और 9 पे लगे हुए हैं। अब हम इसको इतनी सारी चीजें हैं भूल जाएंगे, तो इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू करेंगे कि हमने सेकंड पोजीशन पे अमीनो लगाया। अब हमने देखा सेकंड पोजीशन पे अमीनो लगाए, कहीं और कोई पोजीशन है जिसके 2 पोजीशन पे कुछ और लगा हो, हमें मिला 2 पोजीशन पे हमारा एक पेंटा ऑक्सो भी लगा हुआ है, यानी कि हमारा सेकंड पोजीशन जब हम लिखेंगे हमारे एक्टिनोमाइसिन की, तो उसके अंदर सेकंड पोजीशन पे हमें 2 चीजें लगी हुई है हमारी, एक लगा हुआ है हमारा अमीनो ग्रुप, एक लगाया है हमारा ऑक्सो ग्रुप। फिर हमने आया हमारा डाइमिथाइल, यानी कि हमारा मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ लगा हुआ है, 1, 4 और 6 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, और 1, 7, 11 और 14 के ऊपर हमारा मिथाइल लगे हुए हैं। हमने क्या किया, 4, 6 और 7, 11, 14 के ऊपर हमारे मिथाइल लगे हुए हैं, इनको 2 और 3 करके ब्रैकेट में लिख लेना, ताकि आपको याद रहे कि 2 जब हम 4 और 6 की बात करेंगे तो वहां 2 मिथाइल लगे हुए हैं, और जब हम 7, 11, 14 की बात करेंगे तो वहां हमारे 3 मिथाइल लगे हुए हैं। तो क्या हुआ, हमने 2 जहां अलग अलग मिथाइल लिखे हुए थे उसकी जगह हमने एक ही जगह पे लिख दिए कि हमारे 5 मिथाइल लगे हुए हैं, एक जगह 2 लगे हुए हैं और एक जगह 3 लगे हुए हैं। आपकी वॉइस ब्रेक होने लगी, ब्रेक हो रही है वॉइस अभी? नहीं नहीं ठीक आ रही मैम, वॉइस तो सही आ रही। अच्छा ठीक है, तो क्या होगा ऐसे ऐसे करके क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, ये अपने आप आके बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, कि जैसे यहाँ पे ऑक्सा ग्रुप 3rd पोजीशन पे भी लगा हुआ है और यहाँ पे 5 ऑक्सा ग्रुप लगे हुए हैं हमारे, तो क्या होगा ये हमारे 6 ऑक्सा ग्रुप हुए, एक जगह 1 लगा हुआ है, एक जगह 5 लगे हुए हैं, बस उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे कि एक जगह 1 है, एक जगह 5 है और पोजीशंस होंगी, तो क्या हो जाएगा ये हमारा जो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, और बस हमें क्या याद रखना पड़ जाएगा, उनकी पोजीशन नंबर, हमें इतना सारा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है तो अब ज्यादा क्योंकि हमें क्या करना है, हमें लिखना है नॉमेनक्लेचर, अब वहां पे तो इतना बड़ा याद करके और वो भी इतने सारे ड्रग्स का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमें लिख के भी आना है और सही लिख के आना है, गलत नहीं लिखना है, तो उसके लिए हमें छोटी छोटी ट्रिक्स निकालनी पड़ेंगी ताकि हम उसको याद कर ले और एग्जाम में अच्छे से जाके लिख दें, तो ऐसे ही ट्रिक्स हमें बनानी पड़ेंगी और हम इसको यूज करना पड़ेगा। फिर आती है हमारी एक्टिनोमाइसिन की प्रॉपर्टीज, किस तरीके का हमारा एक्टिनोमाइसिन होता है, तो ये हमारा ब्राइट रेड कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, यानी कि इसके हल्के हल्के से क्रिस्टल्स होंगे और एक ये पाउडर के फॉर्म में होगा, इसकी कोई स्मेल नहीं आती है इससे, और ये खाने में बहुत ज्यादा कड़वा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है आपका 245 से 248 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये जब टेम्परेचर रेंज में आपका एक्टिनोमाइसिन आएगा तो ये वहां क्या करेगा, पाउडर से एकदम लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब आता है इसका सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी में हम जब भी पढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि ये अल्कोहल में सॉल्युबल है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्युबल नहीं है, हम ऐसा ही हमेशा लिखते हैं, लेकिन जो हमारा एक्टिनोमाइसिन है इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 ग्राम डिसॉल्व अबाउट 8 ml ऑफ अल्कोहल, यानी जब हमारा हम 1 ग्राम एक्टिनोमाइसिन लेंगे तो वो 8 ml अल्कोहल के अंदर ही डिसॉल्व होगा, अगर हमने 1 ग्राम से ज्यादा एक्टिनोमाइसिन ले लिया तो वो 8 ml अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, सिर्फ 1 ग्राम हो जाएगा, बाकी का बच जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम पानी के साथ है कि 1 ग्राम जो है वो हमारा 25 ml पानी के अंदर तो डिसॉल्व होगा, लेकिन कब होगा, जब टेम्परेचर होगा हमारा 10 डिग्री, 10 डिग्री के अंदर 25 ml पानी लेंगे उसके अंदर हमारा 1 ग्राम एक्टिनोमाइसिन डिसॉल्व हो जाएगा, अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ या पानी ऊपर नीचे हुआ तो हमारा एक्टिनोमाइसिन उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। वही सेम चीज है कि 1 ग्राम हमारा डिसॉल्व करे 1 ml पानी, 1 लीटर पानी में, कब, जब हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि हमारा जब बॉडी का टेम्परेचर है तो हमारा 1 ग्राम डिसॉल्व करेगा 1 लीटर पानी के अंदर। देखा जैसे यहाँ पे 1 ग्राम 25 ml में डिसॉल्व कर रहा था 10 डिग्रीज पे, लेकिन जैसे ही हमारा हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा जो पानी की वैल्यू थी वो भी क्या बहुत ज्यादा ऊपर आ गई, और वही बताया हुआ है कि 1666 ml ऑफ ईथर होगा उसके अंदर हमारा 1 ग्राम हमारा डिसॉल्व होगा एक्टिनोमाइसिन का,
तो सोचो कितना ज्यादा टेम्परेचर का रोल आ रहा है कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ रहा है वैसे ही हमारी जो सोल्युबिलिटी है उसकी कम होती जा रही है, कमी हो रही है ना सोल्युबिलिटी। पहले 1 ग्राम देखो यहाँ 25 ml में था, लेकिन टेम्परेचर जैसे ही हमने बढ़ाया तो 1 ग्राम 1000 ml में हुआ, यानी कि सोल्युबिलिटी क्या हो गई उसकी, कम हो गई। फिर आ रही है इसकी pKa वैल्यू, यानी कि इसका डिसोसिएशन कोफिशिएंट, वो आता है इसका 11.90। और जब हम इसको डीकम्पोजिशन तक हीट करते हैं तो, या डीकम्पोजिशन तक हीट करने का यह हो गया कि जो एक्टिनोमाइसिस की जो रेड क्रिस्टलाइन पाउडर है वो अपना स्ट्रक्चर जो है, यानी कि उसकी जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है जब वो चेंज हो जाती है तो वो क्या एमिट कर रहा है, हमारा फ्यूम्स को एमिट कर रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर लगे हुए हैं उसके ये फ्यूम्स एमिट करेगा जब हम इसको हीट करेंगे, जब ये डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ये डीकम्पोजिशन का मतलब है कि जो एक्टिनोमाइसिन है वो टूटना शुरू हो जाएगा, डीकम्पोजिशन का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको स्टोर करके रखेंगे कि ताकि ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में ना आए। अब हम इसके यूज किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम ये आ रहा है कि एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग है, हम इसको एक एंटी न्यूरोप्लास्टिक की तरह यूज करेंगे। सेकंड है इसका प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है किसी भी सेल के अंदर उसके सिंथेसिस को ये इनहिबिट करेगा। थर्ड है ये हमारा, क्योंकि हमने इसे एंटीबायोटिक बताया था, यानी कि अगेंस्ट द लाइफ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी है। और लास्ट है इसका न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, न्यूक्लिक एसिड हो गए हमारे जो प्यूरीन और पिरिमिडीन हमने पढ़े थे, जो हमारा हो गया एडेनिन थायमिन ग्वानोसिन साइटोसिन, वो उसका जो न्यूक्लिक एसिड ये जो सिंथेसिस होता है ये उसको भी जाके इनहिबिट करते हैं, यानी कि सेल को किसी भी तरीके से इन्हें किल करना होता है, ये अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं सेल को किल करने के लिए। अब मार्केट में हमें किस तरीके की फॉर्मुलेशंस मिलती हैं, तो हमें इसके इंजेक्शंस मिलते हैं और इसकी हमें टैबलेट मार्केट में मिलती है, और इसके जो ब्रांड नेम हमें मार्केट में मिलते हैं वो होता है कॉस्मेजन और होता है डेसिलॉन। ये दो टाइप के हमको एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट्स मार्केट के अंदर मिलते हैं।